काफी सारा रश है यार। आखिर सा त्रा मज और जब मज आसो बात है भाई, नगरी वारी का क्रेज ना अलग ही लेवल का है। बिल्कुल यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार इतने सारे लोग। माहौल देखो भाई नगरी वारी का कैसा है, अब चेक करो। जबरदस्त भाई। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज ईद उल अज़हा है तो मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। वेल अभी हम निकल गए थे, हमने सोचा था आज थोड़ा सा ना घूमने के लिए जाएंगे, बट अभी हम घर से निकल गए। ये आप यहाँ से चेक करो, अभी दो मिनट भी नहीं हुए तो बारिश स्टार्ट हो गई। जस्ट मैं अभी हमें दो से तीन मिनट हो गए घर से निकलते हुए, तो अचानक से बारिश हो गई। तो अभी आई थिंक हम 5-10 मिनट वेट करेंगे, फिर देखेंगे अगर रुक गई बारिश तो हम आगे जाएंगे। देखते हैं आज का दिन कैसा क्या रहता है, चलते हैं फिर इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जी अभी हमें अराउंड यहाँ पे आधा घंटा हो गया, बट स्टिल ना बारिश हो रही है। अब हमें कोई आइडिया नहीं है भाई हम कहाँ पे जाएं। ये देखो हम कहाँ पे रुके हुए हैं। आज की ईद भाई, हमने सोचा था हम कहीं पर जाएंगे पर यार क्या करें, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ थोड़ा सा और वेट करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अभी ना मौसम ठीक हो गया, अभी हम निकल रहे हैं। ये देखो भाई रोड पूरा गीला है भाई, हम भी पहले गीले हो गए थे बट अभी हमने अराउंड आधा घंटा वेट किया तब जाके बारिश रुकी है। ये देख रहे हो भाई अभी मौसम ना काफ़ी ठंडा हो गया, बारिश अब रुक गई है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, आज ईद का दिन है, लेट्स सी। ईद के दिन ना काफ़ी सारे लोग जो है वो जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अभी हम भी देखेंगे, लेट्स सी कैसा क्या रहता है। अभी हमने पेट्रोल वगैरह डाल दिया, अभी हम जाएंगे नगरी वारी की तरफ, क्योंकि हमेशा के लिए यही होता है जब ईद होती है ना तो काफ़ी सारे लोग ना घूमने के लिए जाते हैं। तो इससे पहले जब मैं गया था ना उस टाइम मेरे पास उतना अच्छा सेटअप नहीं था, बट आज ना मेरे पास सेटअप जो है वो क्लियर है, तो लेट्स सी देखते हैं आज कैसा क्या रहता है। तो जी भाई अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पर, लुक गाइज ये आप चेक करो, अमेजिंग। अभी हम पहुंच चुके हैं हथमुला में, यहाँ से हमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये है जी हथमुला का एरिया। हथमुला में ना काफ़ी सारी यादें हैं मेरी, एक दिन बता दूंगा मैं, काफ़ी सारी मेमोरीज है मेरी भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं नगरी, यहाँ से हमें जाना है राइट, यहाँ से ये ऐसा कुछ रास्ता है। अब इसे देखो जाम, काफी सारा रश है यार। ये आप चेक कर रहे हो कितने सारे लोग आ रहे हैं, ये देखो भाई। ओ भाई ये आप चेक करो, देख रहे हो आखिर सा त्रा मज और जब मज आसो। ओ भाई क्या हाल है, पता नहीं भाई इतना क्या है वहाँ पे यार, इतने सारे लोग जा रहे हैं, आई डोंट नो, हमें भी देखने को मिलेगा क्या होगा भाई खास वहाँ पे। ओ भाई सर ठीक भाई, सलामत सलामत भाई, काफी सारे लोग आ रहे हैं भाई, ये आप देख रहे हो। बात है भाई नगरी वारी का क्रेज ना अलग ही लेवल का है। बिल्कुल यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार इतने सारे लोग आए होंगे। ओ भाई साहब जबरदस्त माहौल, देखो भाई नगरी वारी का कैसा है, अब चेक करो, देख रहे हो गाड़ियां, देखो यार कितनी सारी गाड़ियां हैं, जबरदस्त भाई। ये आप चेक करो कितने सारे भाई, क्या है ये है भाई नगरी वारी का माहौल। ये आप चेक करो, एक सेकंड ना मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा, ये आप एक बार देखो, ये देख रहे हो कितने सारे लोग आ रहे हैं, पता नहीं इतना क्या स्पेशल है नगरी वारी में। वैसे जितना मेरे को लग रहा है कि लोग ना यहाँ पे जस्ट रिलैक्स करने आते हैं। क्या बात है भाई अमेजिंग,
ऐसे अच्छा होता है भाई, देखो वहाँ पर शॉप्स वगैरह लगे हैं तो उनका भी रोज़गार बनता है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। काफ़ी सारे लोग हैं ना वो यहाँ पे आते हैं। पूरी गाइज यहाँ पे आके ना काफ़ी अच्छा लगा, बट एक मेरा जेन्युइन रिव्यू जो है वो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हक बन रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया ना, लाइक मैंने अंदर पार्क देखी ना, मतलब उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है लाइक जैसे पार्क होनी चाहिए। इसमें टिकट भी होती है, अराउंड 10 रुपये की टिकट है, तो अंदर जब हम जाते हैं ना तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट्स है ना वैसा ही नॉर्मल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखना चाहिए कि अंदर ना इसमें कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए, लाइक कुछ मॉडिफिकेशन इनको ज़रूर करनी है, तब जाके ना फिर अंदर जाके अच्छा फील होगा। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाले हैं इस नगरीवारी के पार्क के, बट अभी डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे ना, अंदर वैसा ही वैसा है नॉर्मल जैसा है। मतलब अगर हम दूसरे पार्कों की बात करेंगे, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें ना, तो वहाँ की अगर हम पार्क्स चेक करें ना, काफ़ी मॉडिफाई की हुई है इसको, अराउंड ना 2 साल हो गए, बट स्टिल ये वैसा का वैसा ही है। तो आई होप कि ना कुछ एक्शन ले ले एडमिनिस्ट्रेशन। बट अभी ना इसमें टिकट भी काटनी पड़ती है, अराउंड 10 रुपीज़ की टिकट है, बट अंदर जाके ना वो नॉर्मल वैसा का वैसा ही है। बाहर तो शॉप्स वगैरह है, बट अंदर ना वो नॉर्मल वैसा ही है। तो बस ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हो भीड़ कितनी है। तो बस आई होप कि यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।